गौतम गंभीर ने प्रधानमंत्री को कहा आतंकवादी। नमस्कार, भारतीय टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज मौजूदा बीजेपी सांसद गौतम गंभीर अपने बयानों की वजह से हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। पाकिस्तान के प्रति उनका रुख हमेशा सख्त रहता है। पड़ोसी मुल्क को वह हमेशा बेबाकी के साथ मुंह तोड़ जवाब देते हैं। वही अब गंभीर ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान पर हमला बोला है। गंभीर ने उन्हें आतंकवादियों का रोल मॉडल बताया है। अपने ताजा ट्वीट में गौतम गंभीर ने इमरान खान को निशाने पर लेते हुए लिखा, एक खिलाड़ी को रोल मॉडल माना जाता है अच्छे व्यवहार का, नैतिकता का, चरित्र की मजबूती का। हाल ही में हमने एक पूर्व खिलाड़ी को भी बोलते देखा, आतंकवादियों के रोल मॉडल के रूप में इमरान खान को लेकर समुदाय से निकाल देना चाहिए। इससे पहले गौतम गंभीर ने यूनाइटेड नेशन में दिए गए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के भाषण की कड़ी आलोचना की थी। गंभीर ने इमरान खान को पाकिस्तानी सेना की कठपुतली बताया था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पाक पीएम इमरान खान से तुलना करते हुए गौतम गंभीर ने कहा कि यहां पीएम मोदी ने अपने संबोधन में शांति और सुहृदय की बात कही। वहीं इमरान ने उलझुल बयान दिया जिससे यहां तक कि परमाणु युद्ध तक की धमकी दे डाली। गौतम गंभीर ने अपने ट्वीट में ये भी कहा कि प्रत्येक देश के प्रतिनिधि को अपनी बात करने के लिए 15 मिनट का समय दिया गया था। इस दौरान पीएम मोदी और इमरान खान की बातों में जमीन आसमान का अंतर नजर आया। जहां पीएम मोदी ने शांति की बात कही तो इमरान ने परमाणु बम की धमकी दे डाली। गौरतलब है कि इमरान खान आए दिन भारत के खिलाफ बयान देते रहते हैं। जब से मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया तभी से पाकिस्तान के वजीर आजम बौखलाए हुए हैं। कई बार तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इमरान खान ने पीएम मोदी को 3 भारत का राष्ट्रपति दिया था, जिस वजह से उन्हें सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया गया था।